मोतिहारी से आरएलएसपी के युवा उम्मीदवार आकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आकाश, किस तरीके से चुनाव प्रचार का जो अभियान आपका है वो चल रहा है और समीकरण आपके प्रति कितना अनुकूल यहाँ लग रहा है? बिल्कुल, हम लोग चुनाव जो है सो जीत चुके हैं, खाली औपचारिकता जो है सो बाकी है। प्रचार तो चल रहा है बहुत तेज़ी से और अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, हर वर्ग में, महिलाओं में, पुरुषों में, हर वर्ग में मिल रहा है। आप युवा हैं, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो कितना उत्साह है युवाओं में आपके यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर के? क्योंकि आमतौर पर लोग बातें तो युवाओं की करते हैं लेकिन टिकट जब देने की बारी आती है तो युवाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल, ऐसी बात भाजपा और एनडीए में ज़्यादा है। अगर आप लीडरशिप देखें महागठबंधन के साइड का, तो मैं एक युवा हूँ, मुझे टिकट मिला है। हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ। तेजस्वी जी युवा हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी जी युवा हैं, सचिन पायलट जी युवा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, तो इधर कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो भाजपा के खेमे में है। पिछले बार उन्होंने एक उम्र की सीमा रखी थी कि उस उम्र के बाद हम किसी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अब क्योंकि मोदी जी और उनके खास लोगों का उम्र वहाँ पर पहुँच रहा है, इसलिए उम्र आपके सामने जो कैंडिडेट हैं जो आपके विरोधी दल में हैं वो भारत सरकार के मंत्री हैं, तो किस तरीके से लगता है? आप युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि आपको अपने पिता का साथ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहाँ आप अपने आप को आंकते हैं, चूँकि एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम आपके सामने लड़ाई है? मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी बात का मिल रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि मंत्री रहे हैं और यहाँ से 5 बार MP चुन चुके हैं और इसके बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक सुखाड़ घोषित कर देते मोतिहारी को, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। चीनी मिल का वादा था मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का भी और राधामोहन सिंह जी का भी, लेकिन चीनी मिल जो है यहाँ पर नहीं बना। महागठबंधन का कितना सहयोग मिल रहा है, चूँकि कई दल हैं महागठबंधन में, तो क्या सभी दलों की जो सहयोग है, भागीदारी है, वो परस्पर आपको मिल पा रहा है अच्छे तरीके से? बिल्कुल, लाजमी बात है, पूछने की कौन सी बात है, सारे महागठबंधन के जितने भी दल हैं सब साथ हैं, सब कार्यकर्ता एकदम परिवार के जैसे काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उनमें ज़रूर कुछ दिक्कत है, जब सुनने में आ रहा है कि जो JDU के वर्कर्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं BJP वर्कर्स के साथ यहाँ पर, और इंटरनली उनके वर्कर्स का भी हमको अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब चाहते हैं कि राधामोहन सिंह जी हार जाएं। प्रधानमंत्री भी चंपारण आ रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी वहाँ, तो क्या लगता है कि उससे कुछ असर पड़ेगा? हम चाहते हैं कि वो आएँ ताकि मोतिहारी के जनता को जो है ये पूछने का मौका मिले कि चीनी मिल का आपने वादा करके आप गए थे, कहाँ है चीनी मिल? हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो आएँ, इसका हमको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। बोल के गए थे कि अगले बार हम मोतिहारी आएंगे तो यहीं के चीनी मिल का जो चीनी बनेगा उसको अपने चाय में घोलेंगे और पियेंगे। उसके बाद 3 बार वो आ चुके हैं, अगर इस बार फिर आएंगे तो 4थी बार होगा। एक बार तो जब वो आए थे तो मोतिहारी के लोगों को उनके सभा में जाने देने का परमिशन नहीं था, गुजरात से लोग अपना लेकर आए थे 10-15 हज़ार, उन्हीं लोगों के बीच में सभा करके चले गए और मोतिहारी के लोगों का अपमान किया। आप चुनाव जीतेंगे तो चीनी मिल से धुआं निकलेगा? हम यहाँ से सांसद बनते हैं और हमको मालूम है कि हम बनेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी मोतिहारी में चीनी मिल बनवाना, पुरानी चीनी मिल को खुलवाना या नई चीनी मिल को बनवाना। बिल्कुल, आकाश युवा हैं और कहीं ना कहीं विकास की बातें करते हैं, उनका कहा यदि वो चुनाव जीतते हैं तो चीनी मिल जरूर चालू करवाएंगे। संतोष के साथ शैलेंद्र साहिल, कशिश न्यूज, मोतिहारी।